मैं अमन जैन, आज हम बात करेंगे आरकॉम के बारे में। अगर आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग में काफ़ी डाउन था, लगभग 50% ये स्टॉक डाउन था और लो बनाया 5.30 का और अभी चल रहा है 7.76, फिर भी अभी 33% डाउन है। तो इसका कारण ये है कि काफ़ी मीन्स टाइम से इनका रिजोल्यूशन प्लान चल रहा था और अब जो अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, शायद बैंकरप्टी के लिए फाइल कर सकती है NCLT में। तो वही एक न्यूज़ है जिसके कारण जो है काफ़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली, क्योंकि इनको सारे लेंडर्स जो है क्रेडिटर्स सभी का अप्रूवल 100% नहीं आ रहा है, लगभग 50-66% तक आ रहा है। तो उसी के कारण जो है काफ़ी दिक्कतें का सामना इस कंपनी को करना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये लेटर कंपनी ने मीडिया रिलीज़ के लिए डाला है और आप इसके अंदर देख सकते हैं, आरकॉम मैनेजमेंट टू प्रपोज सिमिलर रिजोल्यूशन प्लान इन NCLT प्रोसेस एस आइदर टू परस्यूड आउटसाइड मीन्स सेल ऑफ ऑल असेट्स एंड स्पेक्ट्रम, और जो भी सारी चीज़ें हैं सब बिकेंगे। और यहाँ पे लिखा है चैलेंजेस ऑफ अनरीजनेबल माइनॉरिटी रेंडर्स टू बी ओवरकम थ्रू NCLT 66% मेजोरिटी रूल अगेंस्ट 100% अप्रूवल्स आउटसाइड। तो 100% इनको लेंडर्स से नहीं मिल रहा है वोटिंग 66%, तो ये भी एक कारण है। और इनकी जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है 40,000 करोड़, और ये भी है कि इन्होंने कुछ स्पेक्ट्रम कुछ असेट्स जो है जियो को सेल किए, वहाँ से पैसा आया, अभी तक इन्होंने कोई लेंडर्स को अमाउंट पे नहीं किया है, तो वो भी एक काफ़ी इश्यू चल रहा है। तो काफ़ी सारे इश्यूज इस स्टॉक के अंदर है, इस कंपनी के अंदर है। और अब जो है आरकॉम सारी चीज़ें 2019 के अंदर क्लियर करना चाहेगी, तो उसी के कारण जो है आरकॉम ने यहाँ पे लिखा है आरकॉम बोर्ड सिक्स फास्ट ट्रैक NCLT रिजोल्यूशन प्लान इन 2019 फ्री ऑफ ऑल अनसर्टेनिटीज एंड चैलेंजेस। तो जो भी रिजोल्यूशन प्लान होगा NCLT के अंडर ही होगा, अब बाहर काफ़ी कम होगा जो भी डिसीजन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल NCLT में होगा, और उसी डिसीजन से इनके लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को और जो भी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को पैसे देने हैं, सेल करने हैं, उसी के हिसाब से अब चलेगा। तो ये एक न्यूज़ है, और काफ़ी मीन्स दिनों से इनका ये चल रहा था रिजोल्यूशन प्लान, लेकिन काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं और अब लगता है कि ये अंडर NCLT ही होगा। तो जितने भी असेट्स हैं वो जियो खरीदेगी, लेकिन किस रेट पे खरीदेगी, तो कुछ जो खरीद चुकी है और बाकी जो भी रिजोल्यूशन प्लान है वो अब आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होगा। और यही एक कारण है, अगर बैंकरप्टी के अंडर ये आ गया तो काफ़ी मीन्स शेयर होल्डर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टॉक इतना डाउन हुआ है कि काफ़ी लोगों ने 12-13 रुपए पे भी लिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो इस स्टॉक से तो फ़िलहाल दूर ही रहिए, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटीज है और कभी भी कुछ भी न्यूज़ आती है इस स्टॉक के अंदर, और ऐसी न्यूज़ आती है कि स्टॉक काफ़ी गिरता है। तो इसके वजह से जो इसके जो दूसरी कंपनीज है जैसे रिलायंस कैपिटल, रिलायंस नवल और काफ़ी इफ़ेक्ट उन पर भी स्टॉक का गिरता है। तो मेरे हिसाब से अनिल अंबानी जी की जितनी भी कंपनीज़ हैं फ़िलहाल तो उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि सीधा असर दूसरी कंपनीज में भी गिर रहा है और इसमें तो काफ़ी गिरा ही है। तो जब तक कोई रिजोल्यूशन प्लान या जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाती या ये कंपनी सेल होके दूसरी कंपनीज़ के अंदर, अच्छी कंपनीज़ के अंदर नहीं चले जाती, जब तक इसमें हाथ डालना काफ़ी खतरे से खाली नहीं है। तो आज इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ये लेटर आप निकाल सकते हैं BSE की साइट से इजीली, और आप भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।